अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बताएंगे कि किस तरह से आप जो मदरबोर्ड का ये वीजे केबल का कनेक्टर है, इसको आप किस तरह से रिमूव करना है और किस तरह इसको दोबारा रीसोल्डरिंग करके लगाना है। ये पूरा हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिए, फिर आपको सही पता चलेगा। तो आपने इसको जो है हीट गन से हल्की हल्की हीट देनी है और इस तरह आप ये जो कनेक्टर है इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद, क्योंकि इसको रिमूव इसलिए किया है, ये जल गया था, अब हम दूसरे मदरबोर्ड से इसको निकाला है और इस जगह पे रीसोल्डरिंग अच्छी तरह करके, इसको सोल्डरिंग करके हम दोबारा अच्छी तरह उसको फिक्स करेंगे। ये देखिए, ये जो पहले जला हुआ था इसको हमने निकाल दिया और इसकी जगह पे जो अभी हमने रिमूव किया है दूसरे मदरबोर्ड से, इसको हम फिक्स करेंगे। क्योंकि हीट गन से आपने बिल्कुल इसको हल्की हीट देनी है, ना तो ज़्यादा हीट देनी है ना ये बहुत कम देनी है, नॉर्मल हीट देनी है। और अगर आप बहुत एहतियात से ये आपने काम करना है, अगर ज़्यादा हीट देंगे तो मदरबोर्ड जल जाएगा और कम देंगे तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए आपने इसको जो है बिल्कुल नॉर्मल हीट देनी है और बहुत एहतियात के साथ इसको आपने फिक्स करना है। अभी हम इसको ये फिक्स कर रहे हैं। ये अभी हमने इसको फिक्स कर दिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। ये शूज़ का मॉडल है N550। ये हमने इसको ये देखिए फिक्स कर दिया है, लगा दिया है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।